हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स जो है वो डिस्कवर किए गए हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाथों। तो दरअसल ये डिस्कवरी का इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों इसे सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, दरअसल लिथियम होता क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, ये काम क्या करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर, ए टू जेड इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की भी जरूरत हो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो मूविंग अहेड, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि ऑन थर्सडे 9th of Feb 2023 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर काम करता है, उन लोगों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था और यह अनाउंस किया हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर के रेसा जिले में, यहां पर आप देख सकते हैं, इस जिले में सलाल हैमाना एरिया में, वहां पर लगभग 5.9 मिलियन टन के लिथियम रिसोर्सेस उन्हें मिले हुए हैं। तो दरअसल एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सा डिस्कवरी माना जा रहा है, खासकर इंडिया के उस मिनरल पुश को देने के लिए। एंड नॉट जस्ट दैट, इससे रिपरकशंस कई ज्यादा पॉजिटिवली हमें देखने को भी मिलेंगे। सो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड भी इसे माना जाता है। इनिशियली ब्रिटिश वालों ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ था 1851 में। पर्पस यही था कि रेलवे को चलाने के लिए उन्हें कोल का जो है ना वो डिस्कवरी करने की बहुत जरूरत थी। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस जमाने में बस कोल के लिए जो है ना वो सर्वेस वगैरह करता था, जहां कहीं पर भी उसे इंफॉर्मेशन मिलती थी तो वो सरकार को फॉरवर्ड करता था। और जैसे जैसे जमाना बदलता गया, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ते गए, तो एज ऑफ नाउ करेंटली ये फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर, भारत सरकार के अंडर ही काम करता है और एक पूरी तरीके से एक साइंटिफिक एजेंसी का ये काम करता है। क्या क्या इसके काम होते हैं, पूरी देश भर में जहां कहीं पर भी इसको पोटेंशियल लगता है कि कहीं पर मिनरल्स अवेलेबल है वगैरह, तो वहां पर वो जियोलॉजिकल सर्वेस और ब्रीफ या फिर इन डिटेल्ड स्टडीज करके उसके उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को फॉरवर्ड करता है। फर्दर ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का काम है कि वहां पर वो जाकर एक्सट्रैक्शंस वगैरह करवाए। तो बेसिक अर्थ साइंसेस से रिलेटेड ए टू जेड देश में इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी अवेलेबल है, जहां कुछ भी अवेलेबल है, उसका पूरी तरीके से मैप जो है वो यही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अवेलेबल करता है, उसी पर ये कंटिन्यूअसली काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में करेंटली। सो मूविंग अहेड, लिथियम हमने कई बार सुना हुआ है और आप सभी ने देखा भी होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं, क्योंकि कई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्ट फोन्स और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही रेयर अर्थ मिनरल इसे माना जाता है, जो कि खासकर सबसे ज्यादा बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हैं, कई बार सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी का कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक पार्ट है, तो लिथियम भी उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये डिस्कवरी हमारे लिए बहुत ही भारी भरकम पुश देने वाली है, खासकर इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेजोल्यूशन के लिए। कपल ऑफ ईयर से हम देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा मशक्कत कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश करने के लिए, क्योंकि हम गो ग्रीन का नारा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि रिसेंटली हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी हमने लॉन्च किया हुआ था, हाइड्रोजन फ्यूल को जिस तरीके से हम पुश करेंगे, और कई ज्यादा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह भी जो चल रहे हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद जाके कई ऐसे प्रोमिसेस भी कर रहे हैं कि भारत जो है गो ग्रीन के उस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएगा। तो इन दिस फेज ऑफ टाइम लिथियम की इतने भारी भरकम मात्रा में डिस्कवरी आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा पुश माना जा रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वालों ने अर्लियर ये बताया हुआ था कि सबसे ज्यादा लिथियम का सप्लाई इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से मिल रहा था। तो थोड़ा बहुत आंकड़े देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों ने ये इन्फोग्राफिक्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं कि वर्ल्ड में पिछले 25 सालों से देख लें तो सबसे टॉप पर लिथियम के प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, लगभग 106K यानी कि 106,000 के आसपास जो है ना टन्स ऑफ लिथियम प्रोडक्शन उन्होंने किया हुआ है। एंड फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, इट इज एक्चुअली चिली, 26 टन्स ऑफ लिथियम उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है, एंड देन कम्स चाइना। तो ये टॉप थ्री कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, चील या फिर चीले जिसे आप जैसे कहते हैं, या फिर चाइना। और ऑस्ट्रेलिया का जितना भी प्रोडक्शन है उसमें से 90% ऑफ द एक्सपोर्ट्स वो चाइना को ही जा रहे हैं। तो इसीलिए चाइना वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्शन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन में लीडर बना हुआ है। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इवन यूएसए, नमीबिया, ब्राजील जैसे कंट्रीज में भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन नो डाउट ऑस्ट्रेलिया, चील और चाइना जो है फॉलोड बाय अर्जेंटीना आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट। और इंडिया सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से ही अपने इस लिथियम के सप्लाईज को फुलफिल कर रहा है।
अभी इतनी अच्छी खासी मात्रा देखिए, मैं इन इनके साथ तो कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैच 5.9 टन्स के आसपास, लेकिन यहाँ पर हजारों टनों के आसपास जो है ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा है, पुश माना जाएगा। सो इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज, लिथियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरीज में ही किया जाता है, जैसे कि सेलफोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, डिजिटल कैमरास और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिनके बारे में अभी हम ज्यादा बात कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हार्ट पीसमेकर्स, आपने कई बार देखा होगा हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्डियक अरेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने में, और कई टॉयस और क्लॉक्स में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है एज नॉन रिचार्जेबल बैटरीज। एंड नॉट जस्ट दैट, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा पुश करेगा। पर हम सभी को भी पता है कि 60% हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली हम चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं, तो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं सॉरी, तो जाहिर सी बात है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए ये डिस्कवरी हमारे लिए एक और स्टेप सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। और खासकर जम्मू एंड कश्मीर में इसकी डिस्कवरी होना, ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में कपल ऑफ ईयर्स से हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही अच्छा वहां पर चल रहा है। एंड नॉट जस्ट दैट, एक और प्रॉब्लम यहाँ पर लिथियम की ये होती है कि ये नेचुरली अक्कर जरूर होता है, लेकिन कंबाइंड तरीके में मिलता है, यानी कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, छोटी छोटी मात्राओं में ये इग्नियस रॉक्स में मिलता है या फिर कई मिनरल स्प्रिंग्स में जहां पर बहते वाटर्स होते हैं वहां से इन्हें कलेक्ट करके एक जगह पर कंपाइल करना पड़ता है। सो दिस इज वन सच रीजन व्हाई लिथियम एंड लिथियम गैदरिंग इज कंसिडर्ड टू बी रियली पेन टेकिंग प्रोसेस। एंड नॉट जस्ट दैट, कई अल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉयज की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है और उस प्रोडक्ट को हम लाइटर वगैरह भी बना सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, आर्मर प्लेटिंग में भी लिथियम का इस्तेमाल होता है, कई एयरक्राफ्ट्स, बाइसाइकल्स और हाई स्पीड ट्रेन्स के बनाने में भी लिथियम की बहुत ही ज्यादा मदद होती है। एंड नॉट जस्ट दैट, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में भी लिथियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, लिथियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशल ग्लासेस और सिरेमिक्स बनाने में। यहाँ पर आप इमेजेस देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के एक्सोटिक ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं यूजिंग लिथियम ऑक्साइड। एंड नॉट जस्ट दैट, एयर कंडीशनर्स और इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम्स में भी लिथियम का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो वे अहेड क्या है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इसके आंकड़े भी हमें ऑलरेडी दिए चुके हैं। इस ईयर के लिए 2023-24 के लिए लगभग 966 प्रोग्राम्स जो है वो ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो लेट अस होप कि सभी प्रोग्राम्स में हमें अच्छे इस तरीके से रिजल्ट जो है वो पाए। 318 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स इसमें है, जिसमें से 12 मैराइन इन मिनरल इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि अंडर वाटर या फिर डीप सी एक्सप्लोरेशन भी आप कह सकते हैं। और मेजर थ्रस्ट एरिया इस बार मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वालों ने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया हुआ है वो ये है कि आप क्रिटिकल और फर्टिलाइजर मिनरल्स में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर कुल मिलाकर 115 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए, जिनमें से 16 फर्टिलाइजर मिनरल्स के, 55 प्रोग्राम्स हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स पर, 140 प्रोग्राम्स फंडामेंटल्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी जियो साइंसेस पर, 155 प्रोग्राम्स ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग पर लिए जा चुके हैं। सो ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी रिसेंट लिथियम डिस्कवरी के बारे में। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैच स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वॉरियर 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।